करने जा रहे हैं एक कटोरी आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। उसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ आटे के हिसाब से नमक और लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल। और ये इतना टेस्टी है आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक इसका सेमी डो तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइट होगा तो भी फिर अच्छा नहीं रहेगा, हमें जैसे पूरी का बनाते हैं ना उस तरह का हमें आटा लगा के तैयार करना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अब मैं इसे गूंथ लेती हूँ अच्छे से इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह का हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसे हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा आटा रखे हुए भी कम से कम 5 से 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें एक ले लेते हैं इतना बड़ा पीस और इसकी लोई बना लेती हूँ मैं अच्छे से, और बाकी आटा एक साइड में रख देती हूँ। और इसे मैं पतला बेल लेती हूँ, जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा हमारा ये नाश्ता बन के तैयार होगा। और एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी, अब बच्चों का तो फेवरेट बन जाएगा। फिर आप घर में ही इस तरह से नाश्ता बच्चों को बना के खिला सकती हैं। अब मैं इसे पतला बेल लेती हूँ, जितना पतला बेल सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कितना पतला बेल लिया है इसे इस तरह से। अब हम इसे हाथ पे उठा लेते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा फैला हुआ बर्तन लेना है, उसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी उबाल लिया है अच्छे से। और अब हम इसमें उबलते हुए पानी में ये रोटी इस तरह से डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। अभी हम बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे, अगर अभी हम इसे पलटने लगे या उठाने लगे तो ये रोटी टूट जाएगी। तो हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसे पकने देते हैं। अब 5 मिनट के करीब हो गए हैं, अब हम इसे एक कछली की मदद से इस तरह से 5 मिनट ज़रूर पकाना है, नहीं तो ये फिर टूट जाएगी। ये देखिए कितने आराम से निकल के आ रही है। और एक प्लेट में लेके इसे ठंडा होने रख देते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारी जो रोटी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। और अब हम क्या करेंगे इसे ना इस तरह से बहुत पतला पतला रोल करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इधर वाली साइड से, मतलब बहुत पतला पतला, मैं आपको दिखाती हूँ कितने पतले पतले, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से पतले पतले हमें ये कट करने हैं, ऐसे जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला। तो मैं ये इस तरह से कट कर लेती हूँ सभी। अब ये देखिए इस तरह से मैंने काट के तैयार कर लिया, कितने अच्छे से, बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रही हैं रोटियाँ। अब मैंने ले लिया वही वाला पैन और इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है, ऑयल। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो आप इसमें 7-8 कली लहसुन की बारीक बारीक काट के डाल दें, पर मैं घर में बच्चे कम पसंद करते हैं तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ लहसुन, सिर्फ हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े साइज की स्लाइस करी हुई प्याज, इस तरह से कट कर लेंगे। और इसे ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा हमें सॉटे करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। ठीक है, हमारी प्याज हल्की सी सॉटे हो गई है। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी, मैंने पत्ता गोभी ली है ये बारीक कटी हुई, आधी गाजर और 1 शिमला मिर्च छोटे साइज की थी, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और इन्हें भी थोड़ा सा जिससे इसका कच्चापन निकल जाए उतना हमें इन्हें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा। हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से सॉटे हो गई हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा हमें नहीं गलानी है। अब हम इसमें थोड़े से चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच सेजवान सॉस, इसकी जगह आप चिली सॉस भी, रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं, 1/2 चम्मच सोया सॉस और टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने रोटी में भी डाला था और सॉस में भी होता है तो बहुत थोड़ा सा, जितनी हमारी सब्जियां हैं बस उतना ही हमें नमक इसमें ऐड करना है। और इसकी फ्लेम रखेंगे हम तेज फ्लेम पर, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से, मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं डाल देती हूँ ये
रोटी अपनी जो मैंने इसे स्टीम करा था ये डाल देती हूँ इस तरह से फैलाते हुए। दो चम्मच की मदद से हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हम वैसे करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये देखिए कितना आपका हेल्दी और आपको खाने में बहुत ही टेस्टी नाश्ता, बिल्कुल परफेक्ट आपको देखने से भी लग रहा होगा ना कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बस हमें ज़्यादा नहीं, एक मिनट सिर्फ इसको इस तरह से करना है। अब ये देखिए दो रोटी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।